आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आरपीएससी के द्वारा जो हाल ही में एसीएफ एफआरओ के इंटरव्यूज के दौरान जो मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान रहे इसके जो पार्ट्स फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फोर्थ जो हैं वो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए, आप लोग उनको देख सकते हैं। साथ ही आज के इस पाँचवें पार्ट्स पे हम बात करेंगे जो 1 अप्रैल को यहाँ पे इंटरव्यूज के अंदर जो मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनके जो क्वेश्चंस के जो ट्रांसक्रिप्ट है जो उसके आंसर हैं वो सभी डिस्कस हम इस वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अथेंटिक है, मेंबर्स के द्वारा जो पूछे गए हैं कैंडिडेट से उन्हीं से मैंने कैंडिडेट से चर्चा करके ये वीडियोस बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आरपीएससी के द्वारा प्रत्येक के कैंडिडेट्स को पूछे गए हैं, जिसमें नेम्स हो सकता है, सभी से नहीं पूछा गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है, 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर उससे भी हायर एजुकेशन आपके पास में है तो सही है। ऑक्यूपेशनल योर फादर्स के ऑक्यूपेशन हो गया, मदर्स हो गया, योर सेल्फ करंट स्टेटस हो गया, अभी हाल ही में आप सर्विस करते हैं या फिर नहीं करते। ऑप्शनल चूज जो है आपका आरपीएससी में इस वैकेंसीज के लिए जो कि एसीएफ है, साथ यहाँ पे एफआरओ के लिए जो आपने चूज़ किया है उसके बारे में। उसके बाद में फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए वो है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका आनंदा मोबाइल ऐप्स जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया था उसका संबंध जो है आपको बताऊं तो LIC जो है उसकी जो इंस्टॉलेशन है जो इंस्टॉलमेंट जो है उसको सबमिट करवाने के लिए ऑनलाइन का एक पैटर्न था जो कि इस ऐप्स के माध्यम से हम जो किस्त हैं वो जमा करवा सकते हैं। तो LIC के अंदर जो आनंदा मोबाइल ऐप्स का लॉन्च यहाँ पे किया गया था। साथ ही न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हाल ही में TV सोमनाथन है, ये भी आप याद रखें। हाउ टू रिलेट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन द फॉरेस्ट, अगर बात करें इस कैंडिडेट्स की तो इनके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से संबंधित यहाँ पे सब्जेक्ट रहा है। तो इनसे सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका जो इलेक्ट्रिक ब्रांच को फॉरेस्ट में किस प्रकार से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे या फिर उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आप कह सकते हो कम्प्लीटली जो फॉरेस्ट हैं या फिर उसकी जो फूटिंग जो पाथ जो है रास्ते जो हैं वहाँ पे स्ट्रीट जो अच्छी से लाइटिंग करना या फिर जो ड्रोन के द्वारा जो पॉपुलेशन यहाँ पे मेज़र की जाती है एनिमल्स की वो यहाँ पे लगाना, साथ ही यहाँ पे प्रत्येक जो बफर एरियाज हैं वहाँ पे सेंसर का इंस्टॉलेशन करना, ये सभी जो हैं यहाँ पे आप इस ब्रांच को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉरेस्ट, अगर आपने अभी तक कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में किया है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो, आपका एक्सपीरियंस है आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। साथ ही अडोप्ट हेरिटेज की हम बात करें, हाल ही में राजस्थान के अंदर एक ही हेरिटेज ऐसी है जहाँ पे अडोप्ट हेरिटोज जो हेरिटेज है उसको लिया गया है जो कि मंडोर फोर्ट यहाँ पे राजस्थान के अंदर जोधपुर में स्थित है, उसको यहाँ पे अडोप्ट हेरिटेज परियोजना के तहत यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। एक्सप्लेन योर गोल इन रेस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट के रेस्पेक्ट में आपके गोल की बात करें तो वो कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। वन क्षेत्र में आपके अधिकारी रहते हुए अगर कोई व्यक्ति जानवरों की तस्करी करता है तो उस समय आप क्या करना चाहिए आपको, तो हम बात करें सबसे पहले इसके आंसर की, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने आंसर को लहजे से देने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि सर तस्करी का जो अभी हाल ही में देखने को मिला है काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रहा है तो उसको रोकने के लिए वहाँ के जो रेलेवेंट लोकेलिटी के जो कम्युनिटी लोग जो होते हैं उनको यहाँ पे इस के बारे में अवेयर करना, साथ ही यहाँ पे जो गांव के जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो ग्रुप में या फिर उनको एक आप कह सकते हो कि एक ग्रुप बना के उनको पर्टिकुलर वहाँ पे जो स्कीम है या फिर आप कह सकते हो उसके मामले के बारे में उनको जानकारी देना ताकि वो भी हमारा सपोर्ट कर सकें। साथ ही यहाँ पे जो मेरे स्टाफ के रेलेवेंट स्टाफ है उसको भी यहाँ पे उसके लिए नॉमिनेट करना और पर्टिकुलर उसकी रिपोर्ट भी लेना, तो वो एक यहाँ पे रीज़न हो सकता है जिससे हम यहाँ पे उसकी कमी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट में काफ़ी प्रकार के सेंसर CCTV कैमराज या फिर अनेक प्रकार के जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेस हैं वहाँ से उसको पर्टिकुलर जो जानकारी है GPS के माध्यम से भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर उसकी जानकारी ले सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाल ही में सिटी वाटर प्लस सिटी जो डिक्लेयर किया गया, आपने देखा है हाल ही में कौन सी सिटी को वाटर सिटी के नाम से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, करंट का जी क्वेश्चन है तो ये इंदौर सिटी जो है मध्य प्रदेश में उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा सोशल फॉरेस्ट्री काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रही है, काफ़ी उस पर ध्यान भी दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो इसके अंदर आपको अपने पहलुओं को रखना है, आपके जो बेसिकली जो एम्स हैं गोल्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट्री की हम बात करें तो काफ़ी प्रकार के हाल ही में आपने देखा है कि अगर एक
सिटीज़ की अगर रोड निकाली जाती है सिटी में, तो उसके बीच में जो आपका फुटपाथ होता है तो उसके ऊपर भी काफ़ी प्रकार के फॉरेस्ट, विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स के पेड़ हैं या फिर छोटे छोटे ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, ताकि काफ़ी प्रकार की पॉपुलेशंस के अंदर जो पॉल्यूशंस यहाँ पे डेवलप होता है तो वो भी यहाँ पे उसको रिड्यूस कर सके। ये भी एक यहाँ पे एक रीज़न रहा है। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर भी काफ़ी प्रकार के जो फूडिंग जो प्लांट हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे खाने के लिए या फिर जो भी फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे प्रॉपर हो सके, तो आप कह सकते हो पर्टिकुलर। साथ ही हाल ही में अभी जो ग्रीन हाउसिंग चल रहा है वो भी एक यहाँ पे रीज़न हो सकता है। बफर एरियाज़ क्या होता है, देखिए पर्टिकुलर जहाँ पे आप कह सकते हो कोई एनिमल यहाँ पे पाया जाता है तो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस एरियाज़ को बफर एरियाज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है। राजस्थान में डेजर्ट पार्क को किस प्रकार से यहाँ पे उसको वन्य जीव पार्क के रूप में यहाँ पे परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसमें आपके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर दे दीजिएगा। मूसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में बूंदी में स्थित है। साथ ही प्रेजेंट में COP21 के अंदर जो चर्चा की गई उसमें किन बातों के ऊपर चर्चा की गई थी, सबसे पहले यहाँ पे नेट जीरो पॉपुलेशन पॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे राज्य सरकार जो भारत है उसके द्वारा यहाँ पे कहा गया था। उसके बाद में यहाँ पे बायोगैस के जो कंटेंट है उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया था, तो ये चीज़ें इसमें थी। वर्तमान में बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, अगर बात करें बाघ संरक्षित क्षेत्रों की, तो यहाँ पे चौथा यहाँ पे हाल ही में मुकुंद्रा हिल्स, आई होप शायद सॉरी मुकुंद्रा हिल नहीं, इसमें आपका जो हाल ही में रामगढ़ विषधारी इसको डिक्लेयर किया गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में वर्तमान में सॉरी राजस्थान में हाथी महोत्सव का आयोजन यहाँ पे जयपुर में किया जाता है, आपको अच्छे से पता है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन थे जो कि आरपीसी के द्वारा, आरपीसी के मेंबर पैनल के द्वारा जो कैंडिडेट से पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, जो कि SCF FRO के इंटरव्यूज़ यहाँ पे आरपीसी के द्वारा लिए जा रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ यहाँ पे होना है या फिर जिनका हो गया, कृपया करके अपने क्वेश्चंस को हमारे व्हाट्सअप चैनल पे आप सेंड कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इनको सेंड कर सकते हो, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प हो सके और आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन विद्यार्थियों के रेस्पेक्ट में बना रहे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।